बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद हैं और बीजेपी दो फाड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह स्टैंड बदल रही है, इनकी मंशा और नीयत पर शक है। और हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है, ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। जो बीजेपी को हराने में वहाँ सक्षम होगा, उसके साथ आरजेडी खड़ी होगी। माझी ने, पति जी ने टिप्पणी की है और कहा है कि जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं उनको लेकर। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में हैं और सरकार में जिस सहयोगी दलों पर ही निशाना साध रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद हैं और बीजेपी दो फाड़ हो गई है। एनडीए में भी अलग अलग सुर राग ताल हैं, कोई कुछ राग अलाप रहा, कोई कुछ राग अलाप रहा। एनडीए के अंदर भी घमासान है और एनडीए में शामिल दलों के अंदर भी घमासान है। इस मुद्दे की गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने स्टैंड पर अडिग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जबकि सभी लोग प्रतिनिधि मंडल में सभी नेता एनडीए के शामिल थे, दल गए थे। अब प्रतिनिधि मंडल में जाते हैं और अलग अलग बाद में राग अलापते हैं, इसका मतलब है कि इस मुद्दे को कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी पिछले एक महीने में 11 वर्ष स्टैंड कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह स्टैंड बदल रही है, इनकी मंशा और नीयत पर शक है। और हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है, ये नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया था, भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के भी मंत्री गए थे, लेकिन भाजपा में जिस तरह से स्टैंड बदल रही है, भाजपा के नेता के अलग अलग सुर और राग आ रहे हैं, ये बता रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती। मुकेश सहनी यूपी पहुंचे चुनाव की तैयारी करने के लिए, तो क्या राजद जैसे बंगाल चुनाव में समर्थन किया था टीएमसी का, तो क्या सपा करेगी? देखिए, मुकेश सहनी जी भाई, उनकी पार्टी अलग है, वो कहीं भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सब दिन ये प्रयास किया है कि हम जो बीजेपी को हराने में वहाँ सक्षम होगा, उसके साथ आरजेडी खड़ी होगी। हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट आरजेडी ने दिया, परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा विचार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी फैसला लेंगे, समय आने दीजिए।